हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजिकल में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 8.5। तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की और ड्रग अब्यूज़ की। तो मैं आपको बता दूँ, ड्रग्स को हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं मेडिसन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या सिंपली हम मेडिसन का जिक्र कर लेते हैं। ड्रग्स को हम मानते हैं नशे पते का जो सामान होता है वो। सर्वे एंड स्टैटिक शो दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज एस्पेशली अमंग द यूथ। सर्वेज वगैरह ने ये बताया है कि भाई जो आजकल आपका जो अल्कोहल का यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है यूथ के अमंग। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न, जो कि सच में सोच का विषय है, एज इट कुड रिजल्ट इन हार्मफुल इफेक्ट, क्योंकि ये रिजल्ट कर सकता है हार्मफुल इफेक्ट में। प्रॉपर एजुकेशन, अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो सबसे पहले जाती है अवेयरनेस, और अवेयरनेस आने से पहले रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की। तो प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड इनेबल यूथ टू सेफ गार्ड देमसेल्व अगेंस्ट द डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि इस खतरनाक जानलेवा ट्रेंड को छोड़ के हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना ले। द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज आर ओपोइड्स, ओपियोइड्स हैं, कैनबिनोइड्स हैं एंड कोका एल्केलोइड्स हैं। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, मोस्टली ये जो आपको मिलते हैं जो ड्रग्स हैं वो मिलते हैं आपको फ्लावरिंग प्लांट से। सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, कुछ फंगस से भी आपको मिलती हैं। ओपियोइड्स आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर बात करें ओपियोइड्स की, ये वो ड्रग्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके अटैक करती हैं, साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे भी। हेरोइन की बात करते हैं जो कि इनका एग्जांपल है, जिसको कॉमनली स्मैक बोलते हैं। केमिकली क्या है, डाई एसिटाइलोमोर्फिन विच इज ए वाइट ओडोरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, एक कलर लेस ओडोरलेस वाइट कलर का जो आपका क्रिस्टल जैसा कंपाउंड है वो आपकी होती है स्मैक। दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो दोस्तों जो चीज़ आपको यहाँ पे बात करनी है, एग्जाम में याद करनी है, वो आपकी स्पेशली रहेंगी नेम ऑफ द ड्रग, उसका साइंटिफिक नेम, उसका सोर्स और उसका एक्शन का मोड, कि वो किन चीज़ों के ऊपर जाके अटैक करती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर से भी जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्मैक है आपको मिलती है ऑब्टेन बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अब जो मॉर्फिन है वो कहाँ से निकलता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सेमनीफेरम। तो ये हो गया आपका सोर्स, जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, इसको हम नाक से खींचते हैं या इंजेक्शन की हेल्प से लेते हैं। हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट, अब ये मेनली इसका असर क्या होता है बॉडी पर, ये एक डिप्रेसेंट है जो बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है। अब है आपका दोस्तों कैनेबिनोइड्स, कैनेबिनोइड्स आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल, ये से केमिकल हैं विच इंटरेक्ट विद कैनेबिनोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन प्रिंसिपली द ब्रेन। कैनेबिनोइड रिसेप्टर जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। नेचुरल कैनेबिनोइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनिबस सटाइवा, और आपको मिलते हैं ये कैनिबस सटाइवा नाम के प्लांट से। अब प्लांट के किस पार्ट से, द फ्लावर टॉप, जो फ्लावर का टॉप है या जो लीव्स हैं, एंड द रेजिन, जो प्लांट में से रेजिन निकलता है, यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना। अब इन्हीं तीन चीज़ों को अलग अलग अमाउंट में हम स्टोर करके मैरिजुआना, हशीश, चरस या गांजा, अलग अलग कंसेंट्रेशन में इनको हम बनाते हैं। जनरल टेकन बाय इनहेलेशन, सांस से इसको हम इनहेल करते हैं, खींचते हैं अंदर, या फिर ओरली हम इसको यूज करते हैं। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को आपके हार्ट के रेगुलेशन वगैरह को अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की, तो वो है आपका कोका एल्केलॉइड। कोका एल्केलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट अर्थ्रोजाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये किसके साथ इंटरफेयर करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक, जिसका नाम है डोपामाइन, ये डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नोटेड, इसको स्नोट करते हैं, नाक से खींचते हैं। इट हैज ए पोटेंट स्टिम्युलेटिंग एक्शन
ऑन सीएनएस प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। यूफोरिया अगर सिंपली समझाऊं तो आप सातवें आसमान पे पहुंच जाते हो, आपको आपके पसंद का ही सब कुछ फील होता है, आप बिल्कुल मजे में हो जाते हो और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सेस डोज की, एक्सेस डोज का मतलब है हेलुकिनेशन। आप रियल लाइफ से काफी दूर हो जाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ सपनों में होते हो, आपको रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुकिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोफा बेलाडोना एंड दतूरा। ये जो नॉर्मली आपके प्लॉट वगैरह में मिल जाते हैं आसपास, अगर आप ध्यान दो तो दीज डेज कैनेबिनोइड आर आल्सो बीइंग अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की हमने अभी पढ़ा कि ये एनर्जी लेवल को बढ़ा देते हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रग लाइक बारबिट्यूरेट्स, एम्पीहिस्टामिन्स, बेंजो डाइएजापिन्स, लार्जेसिक एसिड डाई इथाइल एमाइड्स एलएसडी एंड अदर सिमिलर ड्रग दैट आर नॉर्मली यूज एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया आर ऑफ्टन अब्यूज। तो ये जो ऊपर हमने दवाइयाँ बताई, ये वो हैं जो हम किसी मेंटल इल पेशेंट को देते हैं ताकि वो उस बीमारी से उबर सके, बट इनका भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन काफ़ी अच्छा सिडेटिव है और पेन किलर है एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी। और ये उन पेशेंट में काफ़ी हेल्पफुल है जिनकी सर्जरी होती है, ये दर्द को कम करता है और उनको थोड़ा सा टेंशन फ्री रखता है। सेवरल प्लांट फ्रूट एंड सीड हैविंग हेलुकिनोजेनिक प्रॉपर्टी हैव बीन यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब कि बहुत सारे प्लांट भी ऐसे हैं जो हेलुकिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और पुराने काफ़ी सैकड़ों सालों से इंडियन फोक कल्चर वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, त्यौहार वगैरह पे अक्सर इस्तेमाल, जैसे कि हम भांग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं होली के अवसर पर। वेन दीज आर टेकन फ्रॉम ए पर्पज, तब इनका इस्तेमाल होता है किसी पर्पज से अदर देन मेडिसिन। मतलब दवाई की तरह दिया गया है लेकिन हम उसको दवाई ना मान के अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं किसी इंसान की हेल्थ को बदलने के लिए, उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज। तो दोस्तों ये था आपका आर्टिकल ड्रग एब्यूज का। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुछ और कॉमन जो ड्रग एब्यूज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये तो थोड़े से हाई लेवल के हैं, अब थोड़े सस्ते नशे की बात करते हैं जो अक्सर लोग करते दिखाई देंगे आपको। स्मोकिंग आल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग। स्मोकिंग भी एक ड्रग ही है। टोबैको हैज बीन यूज बाय ह्यूमन बींग मोर देन 400 ईयर, 400 साल पहले से हम स्मोक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तम्बाकू का, टोबैको का। इट इज स्मोक्ड च्यूड और यूज एज स्नफ। इसको स्मोक करते हैं, च्यू करते हैं या फिर नाक से स्निफ करते हैं। टोबैको कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्केलॉइड। टोबैको के अंदर निकोटीन और एल्केलॉइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पाए जाते हैं। निकोटीन स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन। अब जब भी आपकी बॉडी में एड्रेनलिन निकलेगा तो आप जोश में आ जाओगे और उसी के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन को इस्तेमाल करता है, ये सिक्रेट करता है ब्लड के अंदर। बोथ विल रेज द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। स्मोकिंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर एंड लंग। स्मोकिंग से लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसिमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के कैंसर को बढ़ा देता है तंबाकू को चबाना। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड द बॉडी में जाके जुड़ेगी तो वो ऑक्सीजन को मिलने वाला हीमोग्लोबिन का अमाउंट को कम कर देती है। दिस कोज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जिससे बॉडी के अंदर ओटू की डेफिशिएंसी हो जाती है। व्हेन वन बाय पैकेट और सिगरेट वन कैंट मिस द स्टेचरी वार्निंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकेजिंग विच वार्न अगेंस्ट स्मोकिंग एंड से हाउ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। जब भी कोई इंसान पैकेट खरीदता है तो वो बिल्कुल नहीं भूलता उस चीज़ को पढ़ना जिस पर लिखा गया है कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है सिगरेट या कोई भी स्मोकिंग आपके लिए। गेट स्मोकिंग इज वेरी प्रीवेलेंट इन सोसाइटी, लेकिन फिर भी लोग उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बोथ अमंग यंग एंड ओल्ड, सबके अंदर, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो। नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको एंड इट्स एडिक्टिव नेचर, पता होते हुए उनके नुकसान का और आदत बढ़ने का, यूथ एंड ओल्ड नीड टू अवॉइड दिस हैबिट। उनको चाहिए कि वो उसका यूज़ ना करें। एनी अडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। फिर
फिर लोगों को क्या चाहिए, काउंसलिंग चाहिए उस बीमारी से निकलने के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ तरीके, कुछ तरह के आपके ड्रग्स जिसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके अब्यूज़ के बारे में और कैसे उनसे बचा जाए। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें बी बायोलॉजिकल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।